अब मोहनिया तो बिल्कुल बेकार विधायक है, अब नहीं जीतेगा ये, चाहे कुछ भी कर ले। अगर इनको बुलाया जाए तो कम से कम 1000-2000 की भीड़ होनी चाहिए, और फिर इन्हें बुलाया जाए, फिर इन्हें फूल माला पहनाई जाए, तभी आएंगे लोग। मोहनिया जी आए यहाँ मीटिंग करें कि आपके जो है इसको ठीक करा देंगे या तो फिर नया वोट देंगे, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वोट लेके बैठ जाते हैं, नहीं आते विधायक जनता के बीच में, क्या वजह है? आएंगे, जनता पूछेगी भाई क्या क्या तुमने 10 साल विधायक रहे, कुछ भी नहीं किया, रुपये काम नहीं किया उसने। पानी तो संगम बिहार में कभी बिहार में पानी है ही नहीं, संगम बिहार में दिलासा दिलाते हैं, पब्लिक से कहेंगे मुझे 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। विधायक नहीं, चेले आते हैं, कहते मैं जो है विधायक से मेरी कॉन्टेक्ट है, और वादा करके गए थे कि ये इस बोर को हम सही करवा देंगे, और अगर ये सही नहीं हुआ तो नया बोर लगवा देंगे। तो उसके बाद में लोगों का आना जाना भी रहता है, उनके पास में बोलते भी हैं, लेकिन वही बहानेबाजी, कोई काम नहीं हुआ है, सब विधायक जितना सारे बेकार हैं। संगम बिहार में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे रिश्ते टूट गए लोगों के रोडों की वजह से, और रोडों में पानी भरा रहता है। जो पंकज गुप्ता थे ये जीते थे यहाँ से, और यहाँ आए थे, बोल के गए थे कि जी हम पानी की समस्या को दूर करा देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है J1 के 4 नंबर गली में, और यहाँ पर सामने ही मस्जिद है और सामने ही बोर है। तो आपको तो पता ही होगा कि संगम बिहार में पानी की कितनी किल्लत है, बावजूद इसके एक बोर यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर इस बोर को चालू कर दिया जाए तो न जाने कितने घर होंगे मस्जिद के साथ साथ जिनको पानी मिल सकता है समय से, और उनकी पानी की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन इस बोर के बारे में ये बताया जा रहा है कि 3-4 महीने पहले ही मीटिंग हो चुकी है विधायक के साथ, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसे न चालू किया गया न इसे ठीक किया गया, जिसकी वजह से मस्जिद में आने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ के आसपास के कई घरों के लोगों को परेशानी हो रही है। कई परिवार ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद के काफी सारे लोग हैं, इमाम हैं, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायक से उनकी क्या बात हुई थी और ये समस्या उनकी कब से चल रही है। बताइए जरा क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, ये बोर क्यों बंद है? पंकज गुप्ता चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा 3 महीने बोर लगवा दूंगा, आज तो कुछ नहीं हुआ। फिर 2-3 महीने पहले हमारे मोहनिया जी आए यहाँ मीटिंग करें कि आपके जो है इसको ठीक करा देंगे या तो फिर नया बोर्ड देंगे, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी कितनी ज्यादा परेशानी है, हद से ज्यादा। यहाँ कम से कम हर टाइम 100 लीटर पानी खर्चा है, 500 लीटर पानी खर्चा है। एक टैंकर कहते हैं, टैंकर में भेजते हैं, अब करें क्या करें, ये समस्या बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आखिरी बार बात कब हुई थी आप लोगों की? आखिरी बात हमारे ख्याल 2 महीने हो गया, वो 2 महीना हो गया जब बात हुई थी, यही मीटिंग हुई थी जुलाई में। हाँ, तब से अब तक कोई काम, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहीं भी जाओ कोई सुनकर राजी नहीं। हाँ बताइए क्या? ये यही समस्या है कि हमारी मस्जिद को और हमारे मोहल्ले वालों को, लोगों को आसानी से पानी मिले। पानी तो जरूरत किसी से बेसिक जरूरत है, और हमने मोनिया साहब से कई बार कहा, और ये जो हमारे जो पंकज गुप्ता थे ये जीते थे यहाँ से, और यहाँ आए थे, बोल के गए थे कि जी हम पानी की समस्या को दूर करा देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता है। जीतने के बाद संजय गुप्ता तो देखने नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। 3 महीने के अंदर इसी के अंदर मीटिंग हुई थी। अच्छा। और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मतलब 3 महीने के अंदर तुम्हारा बोर हो जाएगा। अब 1.5 साल ज्यादा हुआ चुनाव हुए, शक्ल नहीं दिखा आज तक। हाँ क्या करें, वैसे पानी के अलावा विधायक ने कोई काम करवाया? देखो हमारी नजरों में तो कोई विधायक ऐसा काम मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब ये गलियों में कहीं कहीं लोहे के गेट जरूर लगवा दिए, अब इन गेटों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की असल समस्या पानी और रोड की है। रोड देख रहे हो आप, जब रास्ते से आते हो कैसे रोड है, टूटे फूटे रोड है। थोड़ा बहुत पहले सही थे भी, तो हर जगह रोड तोड़ के डाल दिए गए, निकलने में इतनी दुश्वारी होती है कि लोग निकल नहीं सकते। कई बार तो रिश्तेदार हमारे तो बाहर के आने वाले होते हैं, बाहर से ही बाहर चले जाते हैं। संगम बिहार में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे रिश्ते टूट गए लोगों के रोडों की वजह से, और रोडों में पानी भरा रहता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो रोडों को पानी भरा हुआ वो रोडों पर पानी ना रहे, लोगों घरों में पानी आ जाए। हम ये चाहते हैं हमारी जो मूलभूत जरूरत है वो हमें पूरी हो जाए। कितना पानी लग जाता है डेली का, कितना खर्चा है पानी? डेली का 500 लीटर डेली। जुमा के दिन कम से कम 1000-1500 लीटर, और रमजान में तो एक दिन 8000-9000 लीटर पानी खर्च होते हैं। अभी मिल कितना रहा है आप लोगों को? अभी कुल कहाँ पानी नहीं मिल रहा है, कभी कभी टैंकर आ जाते हैं, या फिर महीने 20-22 दिन में ये राम सिंह का पानी आ जाता, वही पानी, नहीं तो बहुत परेशानी होती है। ये टैंकर जो आते हैं वो पैसे लेते हैं, फ्री में आते हैं?
सरकारी टैंकर प्राइवेट टैंकर तो हफ्ता 15 दिन में आते हैं। 15 दिन नहीं तो अक्सर 15 दिन में आते हैं। और क्या क्या वादे हुए थे मस्जिद के लिए जो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं बताएंगे जरा? मस्जिद के वादे कोई ना पूरा, बड़ी परेशानी जो है पानी की पानी और कोई परेशानी नहीं। और भी कुछ वादा किया गया था मस्जिद के लिए, ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे नहीं, इन्होंने एक पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए एक कूलर दिया था सिर्फ, और वादा करके गए थे कि ये इस बोर को हम सही करवा देंगे और अगर ये सही नहीं हुआ तो नया बोर लगवा देंगे। तो उसके बाद में लोगों का आना जाना भी रहता है उनके पास में, बोलते भी है लेकिन वही बहानेबाजी। लेकिन काम का कोई मतलब, करवा देंगे बस, करवा देंगे आश्वासन है। अच्छा। आश्वासन की बोरी भर लो वैसे ये, लेकिन काम के खराब है ये तो, इसको 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से खराब है। हाँ, उससे पहले चल रहा था, पानी आसानी से मिल रहा था, लेकिन जब से बोर खराब हुआ है तब से जो है बहुत बड़ी परेशानी है पानी की। आप वैसे कुछ काम वाम करवाया है क्या आपके विधायक ने? काम वाम तो आपके सामने ही है जो भी है, फिर भी कुछ यहाँ पर शमशान घाट बन गया हो, यहाँ पे पार्क बन गए हो, यहाँ पे अपराध खत्म हो गया हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर 5 सालों में विधायक ने काम क्या किया? वो तो विधायक जी से जाकर बात करेंगे, पिछले 5 सालों की बात करें, आखिरी बार जब वो चुनकर आए। पहले 5 सालों में कुछ किया ना, इन 5 सालों में कुछ किया? ये तो लोगों से, इधर ऐसे लोगों से मिलने भी नहीं आते, बात तो यही है। नहीं तो लोगों की तो अपनी जो जरूरत है खुद पूरा कर ही लेते, पानी का तो मसला है भाई, कहीं ना कहीं से आदमी निकल भी जाता, लेकिन पानी उसे 10-15 रुपए की 20 रुपए की बोतल आदमी पानी पी रहा है, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। अब एक गरीब आदमी किराए पर रहता है, उसका पानी का अगर रोजाना जरूरत ना मिले तो कैसे जरूरत पूरी होगी? मकान मालिक भी उन्हें कहाँ से पानी ला के दें, है नहीं? तो हम तो ये चाहते हैं इनके लोगों के कम से कम बीच में तो आके बैठे, वोट तो आदमी को किसी ना किसी को देना ही है, कोई भी जीते, पब्लिक को तो इससे लेना देना कोई होता नहीं है, पब्लिक को तो जरूरत की चीजें मिल जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि पब्लिक को और क्या चाहिए? बाकी तो आदमी मजदूरी करता है, अपना खाता कमाता है, ये है कि वक्त पर उसे पानी मिल जाए, नहाने धोने का इंतजाम हो जाए उसका। कई कई दिनों में लोग नहाने को पानी के लिए भी कभी कभी तो ऐसा हो जाए 10-15 रुपए की बोतल लानी पड़ती है लोगों को। तो क्यों नहीं आते विधायक जनता के बीच में, क्या वजह है? आएंगे, जनता पूछेगी भाई क्या क्या तुमने 10 साल विधायक रहे, कुछ भी नहीं किया, काम नहीं किया हमने ना, कभी सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई कर दे, पंकज गुप्ता कह रहा था जब तुम्हें सफाई करवा दो, ये करवा दो, शक्ल नहीं दिखा उसको तुम्हें, 1.5 साल होने जा रहे हैं ये ना, घर में वहां जाओ मिलता नहीं, फोन कर तो फोन उठाएगा, कोई समस्या नहीं हल रहा यहाँ। अब मोहनिया तो बिल्कुल बेकार विधायक है, अब नहीं जीतेगा ये, चाहे कुछ भी कर लेते। पिछली बार जब पिछले 5 सालों में काम नहीं किया, फिर दोबारा भी तो चुनकर आप ही लोग लेकर आए थे, तभी क्यों नहीं? बात यही है, लोग समझते ना पब्लिक क्या, अंदर जाकर समझाओ उनको, वहाँ पे बहुत समझाता हूँ लेकिन मानते नहीं, जो काम कांग्रेस करे कोई करने वाला नहीं। हाँ, क्या वजह रही होगी? पिछली बार जब काम नहीं हुआ तो फिर विधायक वही आ गए, कैसे आ गए? कुछ काम करवा रहे हैं आपके विधायक? कोई नहीं, कुछ नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, सड़कें नालियां पानी कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको? कुछ काम हुआ है आपके विधायक की तरफ से पिछले 5 साल? कोई काम नहीं हुआ है, सब विधायक जितना सारे बेकार है, अपना पैसे खा के रह जाते हैं, सिर्फ जो है दिलाते हैं पब्लिक से, कहेंगे मुझे 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। विधायक नहीं, चेले आते हैं, कहते मैं जो है विधायक से मेरी कॉन्टेक्ट है। अच्छा, वो पैसे मांगते हैं? किस काम के लिए पैसे मांगते हैं? यही सब काम के लिए मांगते रहते हैं, बोर चालू और सफाई करवा देते हैं। ये तो अब तो ये तो बिजली जो है विभाग से पूछना पड़ेगा, अभी तो मैंने कराया नहीं है मीटर, मीटर वगैरह लगवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या भाई? लगवाना देना पड़ेगा, जब जल्दी काम कराना, नहीं तो उनके धक्के खाते रहो, कोई ना कोई कमी निकालते रहते हो, डॉक्यूमेंट चाहिए फिर भी कमी निकाल देंगे, क्योंकि उनको खाना है, यही परेशानी होती है, है ना? डॉक्यूमेंट लगातार देखिए, पानी की समस्या, बोर की सड़क की समस्या, अगर कोई काम करवाना है तो आगे पैसे भरने पड़ते हैं, लगातार जनता इन चीजों की शिकायत कर रही है, और पानी की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी मिल रहा है अम्मा आपको? हैं? नहीं, पानी नहीं आ रहा है। कितने कितने दिनों में पानी आता है? 15-20 दिन में आता है। 15-20 दिन में टैंकर आता है या बोर का पानी आता है? बोर का आता है। बोर का आता है, देख लीजिए आप खुद, आपके सामने है। 15 दिन से पहले पानी नहीं आता है किसी भी घर में, यहाँ पे संगम विहार में जितने ये जितने ब्लॉक में रहते हैं ना लोग, 15 दिन से पहले पानी नहीं आता है, उसके बावजूद
जब जब आता है, जब पानी खत्म हो जाता है फोन करते हैं, बोर वाले फोन नहीं उठाते, समझे। और बोर पे जो लोग बैठे हैं वो लोग कौन है? वो लोग इन्हीं के बैठाए हुए हैं सब, विधायक के और काउंसलर के। अच्छा, इन्हीं के सब बैठाए हुए हैं। 20-25 दिन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक यहाँ पर, ये समझ लीजिए 25 दिन में पानी आता है। बताइए 25 दिन पानी खत्म हो जाता है तो 15-20 रुपए की बोतल लेके नहाना धोना करना पड़ता है। ये हालत है यहाँ पे, पानी खरीदना पड़ता है। वो जो पीने का पानी होता है ना, तो 15-20 रुपए की बोतल मिलती है 20 लीटर की, तो वो बोतल लेके उसको उससे नहाना धोना पड़ता है। फिर से विधायकी के चुनाव आ गए, कह रहे विधायक काम ही नहीं करवा रहे हैं, आप लोग बताइए ना जरा। इस बार चुनाव जीतेंगे नहीं, नहीं जीतेंगे। जैसे केजरीवाल दे दिए जो इस्तीफा ना, वैसे वो भी दे देंगे, किसी हाल में नहीं जीते। क्योंकि यहाँ संगम यार में पानी की इतनी कमी है ना कि यहाँ लोग प्यासे बिना कोई मर जाते होंगे मेरे हिसाब से। अंकल ये देख लो टंक कितना बड़ा जो है बनवा रहे हैं पानी के चक्कर में। हाँ, ये पानी के चक्कर में, इसलिए मैं थोड़ा पानी इकट्ठा कर लूंगा। अब कुछ भी हो तो अब पानी की तो जरूरत तो है ही ना उनको। अब पानी अगर नहीं करेंगे सेफ्टी तो कल के लिए नहाने और धोने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना उनके पास पानी, इसीलिए सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। वापसी कर पाएंगे क्या या बदलाव करेंगे आप लोग इस बार? देखो हमें तो बदलाव की वैसे सही माना तो जरूरत है, लेकिन बदलाव भी होता है फिर भी वही उसकी जगह दूसरा ले लेता है पॉलिटिशियन। तो कम से कम सारे जिसे कहते ना कि चोर चोर मसेरे भाई, वो वाली बात होती है पॉलिटिशियन का। ये पॉलिटिशियन सारे भरोसा खो चुके हैं। ये बात अलग है कि पब्लिक को तो वोट करना पड़ता है, पब्लिक वोट नहीं करेगी उनका वोट काट दिया जाएगा, फिर वो फिर चाहकर भी किसी दूसरे को वोट नहीं दे पाएगा, इसलिए पब्लिक को वोट करना पड़ता है। वरना तो ये जो हमारे वोट का जो नया फायदा उठाते हैं, इनको कुछ सोचना चाहिए कि हम जब पब्लिक के बीच में आते हैं कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, अगर उसका 10% भी काम कर दिया करें तो लोग ना मेरे ख्याल से बिना इन्हें काम करे वोट दे दिया करें। क्योंकि जब बिल्कुल काम नहीं करे तब लोग वोट देने जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, लोगों को उस टाइम समझाया जाता है कि वोट तो दो कम से कम, नहीं तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, है जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भैया लोगों को मैं आके बैठ के बातें करा करें, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का विधायक बने पार्षद बने, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। शिकवा ये है कि वक्त पर ना आते ना कुछ पूछते। हाँ, अगर इनको बुलाया जाए तो कम से कम 1000-2000 की भीड़ होनी चाहिए, और फिर इन्हें बुलाया जाए, फिर इन्हें फूल माला पहनाई जाए, तभी आएंगे लोग। बस जब ही आएंगे और क्या कहाँ आते हैं बताओ। स्वागत किया जाए, अच्छा स्वागत किया जाए और हाँ जी करके, और ठीक है। जब सवाल पूछ रहे तो उसका पानी वानी मिल रहा है आप लोगों को? पानी तो संगम बिहार में कभी मिलता है, बिहार में पानी है ही नहीं। संगम बिहार में विधायक कुछ करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं, देखा ही नहीं है जाके के। हाँ भी जीत गए लेकिन देखा ही नहीं, किसी नहीं देखा। आप लोगों ने विधायक को देखा? हमने विधायक को भी नहीं देखा। नाम पता है कौन है? वो है क्या नाम है इसका? अरे नाम है, मतलब नाम आपको विधायक का नाम पता है? मुझे तो नहीं आई अभी। अब नाम आ गया दिनेश। तो आपको कुछ भी काम ऐसा नहीं दिखा है? जब से देखा ही नहीं, जब से जीता जब से दिखता ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं होता। आप वोट लेके बैठ जाते पानी की परेशानी है, बाकी किसी चीज की परेशानी? पानी नहीं हो तो कुछ नहीं। नालियां सब ठीक है? ये भी सफाई भी नहीं है, कुछ भी सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कूड़े गाड़ी नहीं आती टाइम से, कुछ नहीं है। पानी की टेंशन, नाले रोडों पे आते दौड़ते हैं लोग, आधा कूड़ा गिर जाता है आधा चला जाता है। पानी का टैंकर भी नहीं आता, कितना फोन करो कितना कॉल करो कितना लड़ाई करो तब भी आता ही नहीं है। कहता मैडम पेंडिंग में पड़ा है, वो भी पैसे लेते हैं सरकारी। पहले कहते थे मैडम इतना दे दोगे इतना दे दोगे, और तब भी नहीं आते ना। हम तो मजबूरी में हम तब भी कहते हैं कि चलो ना से तो हाँ भला हो जाए, तब भी नहीं आते, रोज आते हैं पानी। लगातार जनता शिकायत कर रही है और विधायक पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ना पानी की यहाँ पर सुविधा है, ना ही किसी और चीज की। अगर कोई सुविधा हुई है तो कहीं कहीं गलियों में गेट लगा दिया गया है, कहीं कहीं सड़कें बना दी गई है, जिसको भी सीवर लाइन के लिए बार बार तोड़ दिया जाता है। जनता लगातार शिकायत पर शिकायत कर रही है, कई बार वादे किए गए जनता से लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। आपने खुद सुन लिया कि क्या क्या जनता की शिकायतें हैं। देखते हैं कि चुनाव से पहले विधायक कितना काम करवाते हैं और चुनाव के बाद जो विधायक चुन करके आते हैं वो कितना काम करवाते हैं, कि इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है दिनेश मोहनिया को बदलने का। तो देखते हैं कि आखिर चुनाव में क्या होता है। आपको जरा लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ NCR समाचार पर। मैं नमिता चौहान।